दाल छोटे मजे ने मजे ने बादल बहुत ही भयंकर मंजर कुछ ज्यादा ही तबाही हो चुकी है अज इलाके च मुझे लगा ज्यादा नहीं इतनी बचे कुछ नहीं है हथा नी छूरू इथी नी चली होना मोटू भाई कि भी मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक है वो असी भाई फसी गया कुछ नहीं है चलो 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 असी वेलो तेरी कसम गुड़ तेरी जमीन कुछ बच्चा तेरे खेत कुछ बदल बहुत ही खतरनाक मंजर सुमितपुर पंचायत में अभी तक सिर्फ हमारा ही गांव बचा था लेकिन आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पापी आप ये देख सकते हैं कम से कम एक किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे आप देख सकते हैं खेतों के हाल अभी हम यहाँ से सीधा बगवाड़ा जाएंगे क्या सुमिरपुर के पापी ओ चल अच्छा बड़ा बड़ी टफ सिचुएशन हो गई पैदा सुमिरपुर अभी जो अपने खेतर रिपेयरी ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर ओ और ये देखिए पांव रखने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पेड़ सुमितपुर पंचायत के जितने भी पेड़ हैं सारे के सारे ये नीचे बगवाड़ा जाते हुए बहुत ही खतरनाक बहुत ही रिस्क लेके आपके लिए लाए हैं ये वीडियो रिपोर्टर राहुल जी कैमरामैन हमारे साथ दूसरे कैमरामैन अमित जी और हमारे गाइड क्या नाम हो तेरा नबू जंगल प्रवक्ता जाओ जंगल प्रवक्ता ये हमारे मित्तू जी आगे चलते हुए और जमीन में धसते हुए जमीन में यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है और ये देखो हमारे कैमरामैन पीछे दो कैमरामैन आ रहे हैं बहुत ही टफ सिचुएशन समीरपुर पंचायत में बहुत ही ज्यादा टफ मुझे लगता है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जो मंजर आप देख रहे हैं सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर है हिमाचल बोली के ऊपर आप देखेंगे आप देख सकते हैं कितना मुश्किल यहाँ पे चलना कोई किसी टाइम यहाँ पर लोगों का खेत हुआ करते थे और अभी आप देख सकते हैं सुबह 4 बजे के करीब और ये चप्पल हाथ में पकड़नी पड़ेगी और यहाँ से सीधा हम जा रहे हैं बगवाड़ा भी आप देख सकते हैं कि सुमितपुर पंचायत से हम चले हैं सुमितपुर गांव से और जा रहे हैं बगवाड़ा और ये तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही है देख सकते हैं हमारे दो बंदे पीछे फंस चुके हैं बहुत ही मुश्किल यहाँ पर इतना
भयानक दृश्य मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। सुमितपुर पंचायत में मुझे लगता है कि सुमितपुर पंचायत क्या हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे भयंकर मंजर अभी आप देख रहे हैं। पूरा का पूरा आप लोग ये देख सकते हैं, दो बंदे हमारे पीछे पहुंच चुके हैं और ये लोग हंस रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये पहले पहुंच चुके हैं। और ये देखिए आप, एक्चुअली गलती इनकी भी नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे, गलती इनकी नहीं है, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है दोस्तों। स्वामी मोनू जी दाढ़ी वाले कह चुके हैं कि पानी किसी का नहीं होता है और ये चप्पल हाथ में पकड़नी पड़ रही है मोंटू को, तो आप देख सकते हैं मोंटू की ही हालत खराब है, तो ये छोटे बालकों की तो होगी ही। ये देखिए राहुल से बाहर ही नहीं निकला, आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही भयानक मंजर सुमितपुर पंचायत का। मैंने ना कन्विंज नहीं दाम ये थी को पैर रखने को क्या आप देख सकते हैं कितना जोखिम उठाना पड़ रहा है उछ गाइस ओए मोटू फोन ना पकड़ यार, वीडियो तो बड़ा वीडियो मेरी मां 8 किलोमीटर चली है फ्रेंड्स, फोन ना पकड़ ओ भाई फोन ना पकड़ ओए काम मना से ली तो उस दवा मत मनना दाबरी फोन के बड़ा पकड़ी है रंचे सी भाई पकड़ ओ भाई तू हो ठीक बनी जी छतरु चागा छतरु आप देख सकते हैं कितना मुश्किल यहाँ पे मंदिर है वो देखिए, और आप देख सकते हैं हमारे दो शूरवीर सुमितपुर पंचायत के और एक ये पीछे, और एक डर के मारे ऊपर चले गए हैं, ये नीचे ही नहीं आ रहे। लगाओ आ जाओ भाई नीचे आ जाओ भाई, फोटो नहीं यहाँ पे दृश्य इतना भयानक है, फोटो नहीं आएगा यहाँ पे, वीडियो से ले लेना शुक्रिया सौ। आप देख सकते हैं पांव कितने नीचे नीचे, आप देख सुमितपुर में क्या हो चुका है इस टाइम पे, इतना मुश्किल यहाँ पे टाइम। और ये देखिए इस बंदे ने बहुत हिम्मत करके यहाँ पे आई, ये पानी से बहुत डरता है ना ही, ये कभी ये कुएं में भी तैरने नहीं गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही भयानक मंजर, खेतों का कुछ नहीं बचा है गाइस। अभी हम पिछले लगभग 1 किलोमीटर से चल रहे हैं, 1 किलोमीटर एरिया पूरा गायब। और गाइस मैं थोड़ा आगे जाके वीडियो बनाता हूँ, अभी खुद ही चल लेता हूँ, ऐसा ना हो फोन ही गायब हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं एक बार फिर कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे चलना भी, और हम आपको दिखा रहे हैं इतना खतरे में हम लोग चल रहे हैं, आपको बता नहीं सकते हैं। और देखिए आगे हमारे 5 सूर भी मैं मेरी बढ़ा देता, ये हमारे सेठी विशाल बहुत ही हिम्मत भरा काम किया आज इन्होंने, पूरे सुमितपुर पंचायत का मुआयना कर रहे हैं, पता नहीं आज कहां से हिम्मत जुटा पाए हैं, हमें भी समझ में नहीं पा रहे हैं ये हो क्या रहा है। देखते हैं आगे कहां तक जा पाएंगे, हम पहुंच चुके हैं डबो में, देखिए नजारा आप भी देखो असली नजारा, बहुत बुरा मंजर है यहाँ पे, पानी अपना रास्ता खुद इख्तियार करता हुआ। देखिए हरियाणा के जो हमारे भाई साहब हैं हरियाणा से आए हैं, लठ लेके आए हैं साथ में, लठ गाड़ देंगे। वाटरफॉल दिखाया जाए, छोटा वाटरफॉल मिनी, कितना अच्छा वाटरफॉल मिनी वाटरफॉल, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, यहाँ एक दो होटल खोलने पड़ेंगे जो अंत दिया।
देख रहे हो मिस्टर अमित जी। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल बौली पे, और ये बंदे फंसे हुए आया ओ बार नॉर्मल हा। और ये देख सकते हैं आप समीरपुर से ये पानी आता हुआ मिट्टी के साथ, और ये सीधा का सीधा अभी आप देख सकते हैं कम से 1 किलोमीटर एरिया हमने कवर कर लिया है। और ये देखिए कितना मुश्किल रास्ता हो गया, कहीं किसी टाइम यहाँ पर खेत हुआ करते थे, यहाँ पर खेत हुआ करते थे पीछे, और कुछ भी नहीं यहाँ पे बचा है। और ये देखिए इसका नाम बता दें, पानी घटना यहाँ हूं कितना देर हुई, डेढ़ घंटा तो चली नहीं होगी, खनन बचाओ पूजी कुछ गया है बुगवाड़े बुझी गया है आप बुगवाड़े बुझी गया है ना क्या ये कुछ रहे वारा चूहे मरना दे चला तुझे कुछ चल रहे चला था बहुत खत्म हो गया सारा गाइस तो अभी पहुंच चुके हैं बगबाड़ा में, और ये आप देख सकते हैं अभी तो पानी बहुत कम हो गया है, और अभी आप देख सकते हैं बहुत ही तबाही हो चुकी है हमारी साइड में। चल भाई चल रोड ही पूरा गायब हो चुका है यहाँ से, पक्का रोड बनना है पानी के नहीं है